गुरुवार को कमिश्नर अनिल कुमार ने नगर निगम के अभियंत्रण विभाग, रेंट विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कर विभाग, वॉर रूम और मुख्य कार्यालय का निरीक्षण किया और विभाग में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। नगर निगम का निरीक्षण कर रहे कमिश्नर अनिल कुमार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चंद्रा ने विभिन्न विभागों से संबंधित बीते वर्षों का लेखा जोखा दिखाया। कमिश्नर अनिल कुमार ने नगर निगम परिसर को सुंदर और नगर निगम की सभी विभागों को ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा, जो पुराने गांव है सभी हाल रजिस्टर में हैं, जो बयासी के समय के हैं सर, और जो फिर बयासी के पहले के हैं सर, और बयासी में फिर जो 47 गांव सम्मिलित हुए हैं उनका हाल है, वो भी रजिस्टर में था। वो सबसे पुराना जी हेलो मैम, कुछ आपकी लैंड आपको मिली होगी, वो संपत्तियां जो नगर निगम की प्रॉपर्टी है सर, जैसे वो अलग है। ये क्या है, ये जो गांव रिवेन्यू प्रॉपर्टी के डिटेल बनाए गए हैं। नहीं नहीं, वही प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी से मान लीजिए ग्राम सभा की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसे ग्राम सभा इसमें गांव वार सर विवरण है पूरा, वही है, मैं वही कह रहा हूं सर। अब उसके अंदर मान लीजिए जैसे आपको कहना बन के जमीन अलग, वो पहले आपकी संपत्ति नहीं थी, उदाहरण स्वरूप मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको मिल नहीं था आपकी संपत्ति होगी, या आपने कोई जमीन खरीद ली, या आपको सॉलिड बेस करके फिर किसी जमीन का संपत्ति बनी है, ये सब स्वास्थ्य विभाग है।
आपको डिमांड दे रही है कि आपकी इतनी डिमांड है, इतना उम्मीद है, इतनी डिमांड इतना दिखाओ मुझे। ये क्या है? ये सर पूरे साल से पूरे साल से तो बड़े बकायदा सरकारी विभाग वाली सूची किसके पास? मैंने रिवाइज किया ये भी ऑनलाइन हो गया है। दस दस साल सुन रही है मालूम है, वो तो आपको मालूम है, लेकिन नहीं जाए तो क्या करते हैं? अभी तक कार्रवाई तो नहीं करेगा कोई भी डिमांड पहले आज नगर निगम का निरीक्षण था, तो उसमें हमने लास्ट ईयर भी निरीक्षण किया था, तो उस समय जो स्थिति थी उससे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पर इसमें कभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक तो थोड़ा सफाई तो इम्प्रूव हुआ है, सफेदी वगैरह भी उन्होंने व्हाइट वॉश वगैरह करी, अभी भी अंदर कई कमरों में पुराना रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी वीड आउट का सिस्टम नहीं है, जबकि पुराने रिकॉर्ड वीड आउट होते रहते हैं, तो मैंने इनसे ये कहा है कि तो वीड आउट कराएँ पुराने रिकॉर्ड, और जो अलमारियाँ सब जो पुरानी है टूटी पड़ी उनको ठीक कराएँ। दूसरा जो टैक्सेशन सिस्टम है और न्यूट्रिशन की एक्टिविटी है वो ऑनलाइन और कंप्यूटराइज करने के लिए कहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपना सब काम नगर निगम से जो है वो कर सके, ये हमने इनसे कहा। तीसरा, इस समय क्योंकि अब बरसात का सीज़न 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएगा, तो नालों की सफाई का विशेष जोर दिया है, और इन्होंने 15 फरवरी से शुरू भी कर दिया है, तो वो समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। चौथा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें भी कुछ कुछ पीरियड जो लगभग 1 साल पहले हम लोगों को सेंक्शन किए थे वो अभी काम होने कंप्लीट होने बाकी है, लोगों को तेज़ी लाने के लिए कहा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है परिसंपत्तियाँ, परिसंपत्ति रजिस्टर जो होता है, संपत्ति जैसे या प्रॉपर्टी रजिस्टर जिसे हम कहते हैं नगर निगम में, उसका हर साल वेरिफिकेशन होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो वो भी करने के लिए कहा। और म्यूटेशन एक्टिविटी का जो म्यूटेशन के लिए जो हाउस टैक्स रजिस्टर होता है वो भी हर 5 साल बाद में उसका जो भी उसमें चेंजेस आती हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए नया रजिस्टर बनता है, तो वो भी बनने के लिए कहा गया। तो ये 5-6 चीज़ें हम लोगों ने सजेस्ट करी है, और बस मैंने इनको यही कहा मोटे रूप से, अगर हम लोग कर लें कि हमारे जो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल है, हमारा कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, उनकी पे स्लिप पे का पेमेंट है, सैलरी का पेमेंट है, GPF है, GIS है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, टैक्स कलेक्शन हमारा काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो जाए, और ऑनलाइन होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा चंक ऑनलाइन आना भी शुरू करें जी, तो उससे काफ़ी सुधार होगा, तो यही हमें सोचते हैं। थैंक यू।